जय मसीह की मेरे प्रियो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में ईस्टर डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया के लोग प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार मानते हैं और हर देश के मंत्री वो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो तरह तरह से यीशु मसीह की उदाहरण देकर लोगों को उनके प्यार भरे रास्ते पर चलने को कहते हैं और आपस में शांति से रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर डे की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा, हैप्पी ईस्टर डे। ये विशेष अवसर हमारे समाज में सदर्भ की भावना को गहरा करे, ये लोगों को समाज की सेवा करने और दलितों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करे। हम इस दिन प्रभु ईसा मसीह के पवित्र विचारों को याद करते हैं। और इसी प्रकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रेम और करुणा का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ईसा मसीह ने सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनबड़ ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कामना की है कि ईस्टर आपस में प्रेम और शांति लाएगा। सचमुच मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल का वो वचन पूरा हुआ जो कि यशाया 9 उसकी 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सबको जय मसीह।